कानपुर नगर से है। खबर चलने के बाद प्रमोद कुमार डीसीपी वेस्ट ने की कार्रवाई। चकेरी में दबंगों के तांडव का मामला, डीसीपी पूर्व में दरोगों को लताड़ा। दबंगों के खिलाफ कार्रवाई के दिए निर्देश। चकेरी इलाके के दहली सुजानपुर में जमीन पर कब्जा रोकने पर दबंगों द्वारा किसान को पीटने और उसकी पत्नी के साथ सरेआम अभद्रता करने के मामले में मंगलवार को पीड़ित किसान ने डीसीपी पूर्व प्रमोद कुमार से न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद पूरा मामला समझने के बाद डीसीपी ने चौकी इंचार्ज को जमकर लताड़ा और चकेरी पुलिस को तत्काल दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। क्या नाम है आपका? उत्तम नाम सर। क्या घटना हुई है आपके साथ? हमारी जमीन में राजेंद्र तिवारी, आशीष सेंगर और विनय और 7 लोग को नाम नहीं जानते, 3 महिलाएं उसमें थी, 12 लोग थे लोग, और ये लोग जबरदस्ती वहाँ फीता लेकर नापने जोखने लगे। जब हमने विरोध किया तो इन लोगों ने हमसे बोले कि जमीन पे आना नहीं, ये जमीन हमारी है, तुम्हारी नहीं। हमने कहा ये हमारी पैतृक भूमि है, बाबा परबाबा की जमीन हमारी और हमारी जमीन है। तो बोले कि यहाँ से भाग जाओ साले, नहीं मारेंगे अभी। तो हम कहा मार डालो चाहे हमको, लेकिन हम यहाँ से जाएंगे नहीं, जमीन हमारी है। और इन लोगों ने क्या किया कि फीता जैसे हमने उठाया तो ये लोग हमारे लपट गए। हमारी पत्नी आई जब तो उसने भी बचाव करने की कोशिश की, तो उसके साथ भी इन लोगों ने अभद्रता की और वो महिलाएँ कह रही थी कि अगर जो कुछ होगा हम देख लेंगे, इसके साथ जो करना हो कर लो। उसके बाद फिर हम चौकी गए कोयला नगर, तो वहाँ साहब को दिखाया पेपर, तो बोले पेपर ले गया, और पेपर दिखाया तो इन लोगों ने हमारे कोई भी पेपर नहीं देखे और हमको 2 बजे से 7 बजे शाम तक बैठा ले रखे। हमारी बीवी थी, हमारी दोनों बिटिया थी, हमारा लड़का था, और उसके बाद शाम को 7 बजे छोड़े। हमसे बोले कि अगर ज़्यादा वो करोगे तो तुमको अभी हम जेल भेज देंगे। तो इसकी शिकायत आपने किसी उच्च अधिकारी से की? फिर हमने मंगलवार को DCPC से प्रार्थना पत्र दे के अपनी जमीन बचाने के लिए उनसे मदद मांगी, तो उन्होंने कहा तत्काल चौकी में फोन किया, बोले हम FIR अभी लिखवा रहे हैं तत्काल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब, भारत।